नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं रविंद्र और आप हमारे साथ बने हुए हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे हाथ में जैसे कि हमने पहले कई वीडियो बनाए हुए हैं, आपको बताया हुआ है कि बहुत सारी रेखाएं होती हैं और हर रेखा की अपनी अपने जीवन में प्रभाव हैं। उनमें से ही आज मैंने आपके लिए एक रेखा जो चुनी है वो है मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। आप देखिए, यह रेखा हमारे इस बृहस्पति पर्वत यानी कि गौर पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे से यहाँ जीवन रेखा के पास से निकलते हुए हमारे हाथ को दो भागों में डिवाइड करती है। इस रेखा को ही हम माइंड लाइन या मस्तिष्क रेखा कहते हैं। दोस्तों, जीवन में मन, मस्तिष्क और दिमाग यानी कि बुद्धि जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक कारक है, खासकर करियर संबंधी समस्याओं में। आज के नौजवान युवा सभी काफ़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई में, जॉब की तैयारी करने में, कंपटीशन की तैयारी करने में, लेकिन काफ़ी हताश और निराश हो जाते हैं जब उन्हें आगे सफलता नहीं मिलती है। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए होगा जिन जातकों के हाथ में इस प्रकार की लाइन है, डिवाइडेड मस्तिष्क लाइन है, उनके बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि जिन हाथों में या जिन लोगों के व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार की दो मोह वाली मस्तिष्क रेखा आप देखें तो आप समझ जाएं कि उन व्यक्तियों के जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं या आगे हमें किस प्रकार से इनमें फेरबदल हम कर सकते हैं। तो मित्रों, जिन हाथों में इस प्रकार की डिवाइडेड मस्तिष्क रेखा पाई जाती है वह व्यक्ति अस्थिर विचार वाले होते हैं, यानी कि उनका मन कभी भी एक कार्य में नहीं लगता है। वो पढ़ाई कर रहे हैं तो सोच जॉब की रहे होंगे, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो सोच रहे होंगे क्यों ना मैं बिजनेस कर लूं, और अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो सोच रहे होंगे क्यों ना मैं और पढ़ाई कर लूं तो फिर नौकरी करने लग जाऊं। यानी कि उनका मन घूमता रहता है इधर उधर, कंफ्यूजन में रहता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। दूसरी स्थिति होती है कि इस प्रकार की रेखा वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं, भाग्यवादी हो जाते हैं, हर बात को भाग्य से जोड़ना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका ईश्वर मुझे तुरंत और बहुत ज़्यादा फल दे, मैं थोड़ी सी मेहनत करूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए। इसके अलावा अगर यह रेखा नीचे की तरफ, जैसे दो हिस्से हुए इसके और ये नीचे की तरफ डिवाइड हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो इस प्रकार की स्थिति में यह रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो चंद्र पर्वत कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, ख्याली पुलाव। इस प्रकार की स्थिति होने पर व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखता है, कल्पनाएं करने लगता है कि जैसे उसने पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो सोच रहा है कि बस अब तो मैं अधिकारी बन जाऊंगा, उसके बाद ये करूंगा या वो करूंगा, लेकिन यथार्थ में वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता है। उसमें कल्पना की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है, हर समय सपने देखने लगता है। इसके अलावा कल्पनाशीलता ज्यादा होने से व्यक्ति अस्थिर तो हो ही जाएगा, वास्तविकता से उसका कोई पाला नहीं पड़ेगा। अगर यही रेखा, ये मस्तिष्क रेखा थोड़ी ऊपर की तरफ जाए इस तरफ, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ऐसे थोड़ा सा ऊपर, इस स्थिति में व्यक्ति थोड़ा अहंकारी हो जाता है। वो हर बात को कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि भाई मैं ऐसा हूँ, या आप ऐसे नहीं हैं, मैं और आप में अंतर नहीं होता, वो थोड़ा अभिमानी होने लगता है। कुल मिलाकर डिवाइडेड मस्तिष्क रेखा किसी भी स्थिति में सही नहीं होती। यह आपके दिमाग के कन्फ्यूजन को दर्शाती है, आपके मन को अस्थिरता को दर्शाती है, हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाते, फालतू कल्पना करने लगते हैं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हम सोचते हैं आगे के समय की या पैसों की या फिर गाड़ी की, मोबाइल की, यानी कि लक्ष्य से भटकने लगते हैं।
यह स्थिति अगर आपके जीवन में आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी मस्तिष्क रेखा डिवाइडेड हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें अब अपने फालतू विचारों को अपने मन से निकाल फेंकना होगा और फोकस करना होगा अपने लक्ष्य पर। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी तैयारी की, किसी एग्जाम की, तो केवल आप उसकी तैयारी कीजिएगा। भविष्य में क्या होगा वह हम बाद में देखेंगे। जैसे आपने एक दर्पण देखा होगा, विज्ञान की किट में आता है, सूरज की रोशनी का फोकस बनाते हैं तो आग लग जाती है। ठीक वैसे ही आपको अपने मन के विचारों को एक फोकस करना, अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी क्षमता को, अपनी योग्यता को, एबिलिटी को एक जगह स्थिर कीजिएगा थोड़े समय के लिए, और फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो इतना बढ़िया होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपके लिए था। मैंने हस्त ज्योतिष में थोड़ा सा समझाया, लेकिन मैं चाहता हूँ माइंडली आप फ्रेश हो जाए। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों फोकस। फोकस एक जगह रखिएगा। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी डिवाइडेड हो रही है, तो आप अपने मन से फालतू विचारों को निकालिए, कल्पना को खत्म कीजिएगा और ध्यान योग करना शुरू कर दीजिए। थोड़े 2 मिनट का ध्यान योग से मतलब है हमें कोई बड़ी बड़ी क्रियाएं नहीं करनी है। सांस को अंदर बाहर लेना है, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना है और सुबह शाम 2 मिनट ये सोचना है कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाई करूँगा, या मैं किसी की तैयारी कर रहा हूँ तो केवल उसकी तैयारी करूँगा। हम तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कामयाब होने के बाद ये खरीदूंगा या ये करूँगा, ऐसा नहीं करना है। केवल मुझे कल एग्जाम देना है और एग्जाम में क्वालिफाइड होना है। तो ये बातें आपके लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आगे और भी अधिक जानकारियाँ लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।